तो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। रात के 9 बजे और एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज थोड़ी सी जगह बदली है, ये हमारे आज तक के ऑफिस का ये सेकंड फ्लोर है जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, और ये एक कैफेटेरिया बना है नया, ब्रेकआउट एरिया जिसे कहते हैं। तो जब लोग थोड़े फ्री हों तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए आ सकते हैं, और थोड़ा सा सीन मंजर इसलिए अच्छा है कि हरियाली भी है, और मुझे लगता है आज की कहानी के लिए भी ये लोकेशन बहुत सही है, तो इसलिए जगह बदली है। दूसरा, आज बजट डे था, हालांकि मुझे बचपन से लेकर आज तक बजट समझ ही भी नहीं आया, न सरकार का न घर का, दोनों ही बजट समझ में नहीं आता। लेकिन खैर, बजट को लेकर सबके अलग अलग राय हैं लोगों के, लेकिन बजट की बातें एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं, मेरा जो काम है वो करता हूँ। आज की जो कहानी है इसकी भी बहुत टाइम से फरमाइश हो रही थी, और इस कहानी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हैं, और बल्कि जिस शख्स की कहानी है उसकी ज़िंदगी मौत दोनों के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं। तो कहानी ये है, मतलब उस शख्स को क्या क्या कहें, कोई संत कहता है तो कोई आचार्य, कोई भगवान तो कोई धर्म का दुश्मन, कोई फिलॉसफर मानता है, कोई शक्ति मानता है, कोई व्यक्ति मानता है, मतलब अलग अलग रूप अलग अलग नाम। तो कहानी ओशो की है, आचार्य रजनीश की है। अब ओशो शब्द, हालांकि ये जब मैंने भी पहली बार सुना था मुझे लगा था इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा में एक वर्ड है जिस ओशनिक, तो उससे ये शब्द ओशो लिया गया है, जिसका नाम, जिसका मतलब होता है कि सागर में विलीन हो जाना, मतलब सागर में। और इसीलिए कई लोग ओशो को नदी भी बुलाते थे। तो ओशो की ज़िंदगी जो थी जैसी थी, उनकी मौत को लेकर भी बहुत सारे सवाल रहे, और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं मौत को लेकर जिसके जवाब नहीं मिले। और ओशो की एक बात ये भी है कि जब वो एक बार वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर जाकर अपने भक्तों से मिलना चाहते थे, तो दुनिया की 21 कंट्री उसने अपने यहाँ ओशो को आने नहीं दिया, या अगर वो उतरे भी तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों को ये था कि ओशो की जो बातें हैं, ओशो जिस तरीके की चीज़ें कहते हैं, उनका जो कल्चरल बातें हैं, जो रिलीजियस बातें हैं, वो उनके अपने उससे मैच नहीं करता, मिलता नहीं है। और उन्हें ये भी लगता था कि सरकार के ख़िलाफ़ और बाकी के ख़िलाफ़ वो भड़का रहे हैं। इवन हिंदुस्तान में भी जब वो बात करते थे तो गांधी जी के हमेशा ख़िलाफ़ बोला, कम्युनिस्ट अपना दुश्मन मानते थे, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनको भी लगता था कि वो गलत है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और ऐसे बहुत सारे, चूँकि सैकड़ों किताबें लिखी, हज़ारों प्रवचन दिए, लेकिन असल में ओशो कौन थे, ओशो बनने से पहले वो क्या थे, यही मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से समझा सकूं। ओशो के जो भक्त हैं, और उनका ये कहना है कि ओशो ना कभी पैदा हुए और ना कभी मरे, वो बस इस दुनिया में आए और यहीं रहने के लिए आए। ओशो की ज़िंदगी की कहानी शुरू कहाँ से होती है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। और ये करीब 60 और ये 19-20 80 साल पुराने, मतलब पीछे आपको लेके चलता हूँ। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले का एक गांव कुचवाड़ा है, रायसेन ज़िला बड़ा फेमस है, वहीं पे एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम तब चंद्रमोहन जैन रखा गया था। ओशो का असली नाम जो था वो चंद्रमोहन जैन था। गरीब घर में पैदाइश हुई थी, लेकिन ओशो पढ़ने लिखने में तेज़, ठीक ठाक, तेज़ तरार थे। इसके बाद जबलपुर में उन्होंने अपना बचपन जो है नाना नानी के घर बिताया, क्योंकि नाना नानी थोड़े से पैसे से ज़्यादा अच्छे थे, उनकी पोजीशन अच्छी थी उनके अपने घर के मुकाबले, तो नाना नानी के पास रहे, वहीं से स्कूलिंग की, और उन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट चुना शुरुआत में ही, तो दर्शन शास्त्र की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो वहीं जबलपुर के कॉलेज में पहले पढ़ाई की, और फिर
ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर डिग्री लेने के लिए जबलपुर से निकलकर सागर यूनिवर्सिटी पहुँचे और सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया। इसके बाद पढ़ाई के बाद चंद्र प्रकाश जैन वहीं रायपुर के ही एक संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे लेक्चरर बन गए और लेक्चरर बनने के बाद पढ़ाई शुरू की। चूँकि एक तो फिलॉसफी के लेक्चरर तो शुरू से ही जो उनकी बातें थी जो उनकी सोच थी वो बड़े उस वक्त लोगों को लगता था कि ये अजीब है, ये कुछ क्रांतिकारी टाइप है। तो उनके तेवर से उनके भाषण से जो मैनेजमेंट था कॉलेज का वो भी घबरा गया था क्योंकि ऐसा लगता था कि वो कुछ बगावत के लिए उकसा रहे हैं, कुछ अजीब बातें कर रहे हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो भगवान हो, तो हर एक के बारे में ओशो की जो राय थी वो जो अब तक लोग सुनते सुनाते आए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उनके इसी बर्ताव की वजह से कॉलेज को लगा, जो रायपुर के संस्कृत कॉलेज है, तो कुछ वक्त के बाद ही ओशो को उस कॉलेज से, मतलब तब तो ओशो नहीं थे, चंद्रमोहन जैन को उस कॉलेज की नौकरी से हटा दिया गया। तो वहाँ से हटने के बाद अब फिर चंद्रमोहन निकलते हैं और जबलपुर यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं और वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहे थे तब उसके बाद फिर अचानक ये सारी चीज़ें होती हैं, तेवर वैसे ही थे। तो 1960 में फिर वो बाहर निकलते हैं कॉलेज से और बाहर निकलने के बाद जो बातचीत थी, जो उनके विचार थे, चूँकि ऑलरेडी फिलोसोफर थे, वो लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं। और उसी वक्त ये आइडिया आता है कि क्यों ना इंडिया घूमा जाए और इंडिया में घूम घूम के लोगों से बात की जाए और उनको अपनी बातें बताई जाए। तो 1960 से लेकर 1966 तक वो 6 साल के अंदर लगभग भारत के हर हिस्से को कवर करते हैं और पूरे भारत में घूमते हैं और जहाँ जहाँ जाकर वो अपना ज्ञान प्रचार ये सारे भाषण देते वहाँ पे लोग फैन बनते जाते। धीरे धीरे लोगों के बीच में नाम बढ़ता गया कि भाई एक चंद्रमोहन जैन है जो इस तरह की बातें करता है। और जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो कुछ दुश्मन भी बढ़े। उस वक्त कम्युनिस्ट को लगा कि वो इनके ख़िलाफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। जो गांधी के विचारधारा थे उसके भी ख़िलाफ़ बात कर रहे थे तो जो गांधीवादी थे वो नाराज़ हो गए। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी 1966 में वापस दूसरी नौकरी जो जबलपुर यूनिवर्सिटी में कर रहे थे तब तक ओशो के बारे में, मतलब चंद्रमोहन जैन के बारे में ये चीज़ें आ गई थी कि वो इस तरह की बातें करते हैं, गांधी को भी बुरा भला कहते हैं, धर्म को भी भला बुरा। और तो जबलपुर यूनिवर्सिटी ने भी हाथ जोड़ लिए, उसने कहा भैया आपके लिए हमारे यहाँ नौकरी नहीं है क्योंकि हमारे कॉलेज में फिर हंगामा हो जाएगा। तो जबलपुर यूनिवर्सिटी ने भी नौकरी से निकाल दिया। जब ये निकले उसी वक्त, चूँकि 6 साल पूरे भारत भ्रमण कर चुके थे, लोगों से बातचीत करके मिल के ज्ञान दे चुके थे, सब कुछ हो चुका था, पहली बार फिर ये अपना नाम चंद्रमोहन जैन से पलट कर आचार्य रजनीश रख लेते हैं और अपने नाम के आगे आचार खुद लगा लेते हैं। अब आचार्य रजनीश बनने के बाद भी इनका भारत भ्रमण जारी रहता है, चूँकि अब नौकरी थी नहीं, इन्होंने कहा खुल के बात करते हैं। तो 66 में नौकरी जाती है, फिर ये घूमते घूमते 1968 में मुंबई पहुंचते हैं। और जब मुंबई पहुंचे तो मुंबई के भारतीय विद्या भवन में एक बड़ा बेबाक भाषण दिया और अपने 5 मशहूर जो उनके उपदेश थे, जो प्रवचन थे, वो उसी मुंबई में तब 1966 में पहली बार दिया था। और तभी वहाँ पे जो 5 मशहूर उपदेशों की कड़ी में एक तो ये था कि दुनिया को सेक्स की ऊर्जा से मोक्ष के द्वार तक पहुँचाने का रास्ता बताया, उनके अपने सोच थे उसको लेकर। और इसको लेके फिर मीडिया में अचानक खबरें आनी शुरू हो गई कि एक शख्स है, एक आचार्य रजनीश है जो इस तरह की बातें करता है और इस सोसाइटी में पहली बार इस तरह कोई खुलकर सेक्स और इन तमाम चीज़ों की बातें कर रहा है। तो वो चीज़ें फैलती गई धीरे धीरे और इसी दौरान में बहुत सारी फिर इनके प्रवचन, ऑडियो कैसेट, किताबें, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि इसके बाद धीरे 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 फॉलोअर्स की भी तादाद बढ़ रही थी।
1970 में पहली बार एक अब तक की जो सारी बातचीत थी उससे हटकर आचार्य रजनीश की तरफ पूरे देश का ध्यान जाता है और बल्कि दुनिया का जाता है। बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है कुल्लू मनाली, तो वहीं 1970 में आचार्य रजनीश कुल्लू पहुंचते हैं और वहां पर जो सन्यास, अब तक हिंदुस्तान में हम लोग ये जानते हैं कि सन्यास का मतलब और सन्यासी का मतलब ये होता है मोह माया से अलग, दुनिया घर परिवार से अलग सन्यास ले लिया और बस वो अपनी ऊपर वाले के मगन में ही रहता है। आचार्य रजनीश ने सन्यास के डिफिनेशन को बदलने की पूरी कोशिश की और एक नया क्रांति ला दिया और वो था नव सन्यासी क्रांति। 1970 में इसकी बुनियाद रखी। अब नव सन्यासी क्रांति, कई लोग इसको नियो सन्यासी भी कहते हैं, कई लोग सांसारिक सन्यासी भी कहते हैं, तो ये एक नई परिभाषा लिख दी सन्यासी की। और इस सन्यासी की जो परिभाषा लिखी आचार्य रजनीश ने, उसका बेसिक जो टैगलाइन था वो ये था कि संसार से दूरी नहीं बल्कि संसार में रहते हुए सन्यास लो। मतलब आप न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न दुनियादारी छोड़ो, न रिश्तेदार छोड़ो, सब कुछ रहते हुए भी आप सन्यासी की ज़िंदगी जी सकते हो। और वो जीना कैसे है, वो भी जो रंग ढंग और वो जो स्टाइल था वो बिल्कुल ट्रेडिशनल सन्यासी के, अब तक जो हम सब सुनते आए थे, देखते आए थे, पढ़ते आए थे, वो उससे बिल्कुल अलग। मतलब अपने लिए जियो, कोई इसमें इस सन्यासी के लिए धर्म कर्म का कोई काम नहीं, कोई गीता कुरान रामायण का इसका कोई पाठ नहीं करना, बस आप अपनी ज़िंदगी जियो और खुशी खुशी जियो, खुश रहो, नाचो गाओ संगीत के साथ। तो जब ये 1970 में कुल्लू में हुआ ये नव सन्यासी का पहली बार, तो लोग भी हैरान कि ये कैसा सन्यासी, ये कैसा एक धर्म का वो संगठन है। हालांकि धर्म को मानते नहीं थे आचार्य रजनीश। और वहीं पे पहली बार ये पढ़ा कि जो नव सन्यासी जो लोगों ने ज्वाइन किया आचार्य रजनीश को, उसमें देश और बाहर के बहुत ज़्यादा थे, विदेशी बहुत थे, महिला पुरुष दोनों, तो उनका नाम रखा गया जो नव सन्यासी बने। तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको माँ, उनके आगे नाम के आगे माँ लगाया गया। और जो पुरुष थे उनके आगे स्वामी लगाया गया। गीत संगीत के बीच पहली बार आध्यात्म का जो चलन है वो यहीं 1970 में तब शुरू किया आचार्य रजनीश ने। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उनके ज्ञान, उनकी राय धीरे धीरे मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही थी। अब जब ये सारे ख्याल और सारे विचार सामने आ रहे थे, तो जो परंपरा, अपना परंपरागत हिंदू धर्म के कुछ लोग थे उनमें खलबली मच गई। जो कम्युनिस्ट थे उनके बीच में खलबली मच गई, क्योंकि वो साम्यवाद और समाजवाद की भी बातें आ रही थी। तो इन सब के बीच में धीरे धीरे, चूँकि बुराइयाँ भी हो रही हैं, लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, 1971 मतलब इस नव सन्यासी क्रांति के एक साल के बाद ही आचार्य रजनीश 1971 में खुद ही खुद को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। और उन्होंने दावा किया कि उनका वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसकी वजह से वो ये दावा कर रहे हैं कि वो भगवान है। और इसीलिए उस दिन से 1971 में आचार्य रजनीश की जगह की बजाय अब अपना नाम भगवान रजनीश रख लिया। अब लेके दोनों तरफ विरोध ज़्यादा था हर तरफ उनकी बातों को लेकर। तो 1974 में फिर वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर करने के तीन साल के बाद भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश जो आप कहें, वो पुणे पहुंचते हैं और वहाँ पे एक ओशो कम्यून का गठन करते हैं। और उसमें उनके जितने भक्त थे वो वहाँ पे, एक तरह से ये ओशो का हेडक्वार्टर था, तो वो देश विदेश से लोग आते हैं, ख़ासतौर पे विदेशी ज़्यादा थे। और अब वहाँ पे सारी चीज़ें वही होती हैं कि आध्यात्म के नाम पे, मतलब आप बस अपने लिए जिए और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो उस वक्त इस पुणे के इस कम्यून में जो ओशो का सेंटर था, बड़े इल्ज़ाम भी लगे कि वहाँ अश्लीलता हो रही है, वहाँ सेक्स के नाम पे गंदगी परोसी जा रही है और ड्रग्स की भी बातें आई कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और इसको लेकर बहुत सारी उंगलियाँ भी उठी। इसी दौरान में 22 मई 1980 को आचार्य रजनीश के उनके अपने कुछ बातों पे, जो धर्म को लेकर बाकी चीज़ों को हुआ था,
उन पर एक बार जानलेवा हमला हुआ, एक चाकू से हमला भी किया गया, लेकिन वो हमला इतना खैर संगीन नहीं था। इसी बीच में बहुत सारे प्रवचन और किताब और ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट के जरिए उनकी जो चीज़ें सामने आई, जिसने ओशो को और कंट्रोवर्शियल बना दिया। जैसे सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी वो गांधी के विरोध को लेकर, वो गांधी की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं थे और ये भी कहा था कि गांधी अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक है, और कई कंपैरिजन किया था गांधी का, तो उसको लेकर गांधीवादी नाराज़ हो गए थे। नव संन्यास जो आंदोलन शुरू किया 1970 में मनाली में, उसको लेके जो सन्यासी की पूरी बिरादरी थी वो नाराज़ हो गई कि ये सन्यासियों का मजाक है, सन्यासी इस तरह के जीवन नहीं बिताते हैं, कि गीत संगीत पे आप डांस कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई। देन एक और बड़ी चीज़ अचानक आई ओशो की, और वो आई कि इस समाज में परिवार की ज़रूरत नहीं है, परिवार एक बंधन है, परिवार नहीं होना चाहिए, हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिए, अपने हिसाब से जिए, अपनी आज़ादी से जिए, और इसलिए जब परिवार की ज़रूरत नहीं है तो फिर शादी की भी ज़रूरत नहीं है, विवाह की भी ज़रूरत नहीं है, और विवाह एक बंधन है, दो लोगों को जबरन एक दूसरे का अचानक पति और पत्नी का नाम दे दिया जाता है कुछ रस्म करके, और फिर उनसे कहा जाता है कि आप आपस में प्यार करो, तो ये प्यार या प्रेम नहीं है। तो ये चीज़ें आई तो परिवार को लेकर और रिश्ते को लेकर और शादी को लेकर खिलाफ की शादी नहीं होनी चाहिए, परिवार ही नहीं होना चाहिए, इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। बाद में और ज़्यादा जब हंगामा हुआ, जब ये भी कहा कि परिवार और शादी के साथ साथ धर्म की भी ज़रूरत नहीं है, धर्म भी एक ढकोसला है और धर्म होना नहीं चाहिए, इसके बारे में कई जगह पर ये लिखा कि इंसान तरक्की कर रहा है, हम मॉडर्न दौर में जी रहे हैं, मॉडर्न मॉडर्न मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम पढ़ते और हम मानते उन्हीं चीज़ों के हैं जो आज से किस पुरानी सदी की चीज़ें हैं, और उसी को हम चलते आ रहे हैं, जबकि मशीनें नई नई आ गई हैं, मशीनें नए नए तरीके से काम कर रहे हैं, बट इंसान उसी सोच के साथ आगे बढ़ा, तो इंसान मॉडर्न नहीं बन पाया, इंसान आधुनिक नहीं बन पाया, क्योंकि वो उन पुराने धर्मों की चीज़ों पर ही आज भी चल रहा है, और धर्म सिर्फ लड़ाता है, भड़काता है, ये सारी चीज़ें जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। तो धर्म की भी ज़रूरत नहीं, परिवार की भी ज़रूरत नहीं, शादी की भी ज़रूरत नहीं। इसके अलावा फिर आया कि इस पूरी दुनिया में अलग अलग ये जो देश हैं इनकी सरहद कोई होनी ही नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, और उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जो उसके ऊपर उंगली उठाई कि वो सिर्फ एक तमाशा है, वहाँ पे दुनिया के कोई मसले हल नहीं होते, तो उसकी जगह पे एक विश्व शासन होना चाहिए, और उस विश्व शासन में पूरी दुनिया के नुमाइंदे हों, और वही पूरी दुनिया में बस एक ही सरकार हो और पूरी दुनिया की वही सरकार चलाए, और इसलिए हर देश जो है वो अपनी सारी जो उसकी आर्मी है या हथियार हैं वो उस विश्व शासन के हवाले कर दे, क्योंकि जब कोई बॉर्डर नहीं है, सब एक हैं पूरी दुनिया में, तो फिर आप जंग किससे लड़ोगे, ये एक थॉट था जिसको लेके भी हंगामा हुआ, जाहिर सी बात ये पॉसिबल भी नहीं था। फिर एक किताब लिखी थी संभोग से समाधि तक, जिसको लेके काफ़ी जो कंट्रोवर्सी, सबसे ज़्यादा बल्कि ये पढ़ा जाने वाला भी बुक था। तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त एक साथ चल रही थी, और इसी वक्त एक ये भी हुआ था कि बहुत से लोग ओशो को, आचार्य रजनीश को पढ़ते थे और दूसरों को भी कहते थे पढ़ो, लेकिन साथ में एक हिदायत के साथ पढ़ो लेकिन इस पर अमल मत करना। तो दोनों चीज़ें थी ये, कि मतलब पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अमल मत करना है इसको, क्योंकि वो उसमें सारी चीज़ें ही ऐसी थी। तो ये सब कुछ चल रहा था, तब तक 80 का दौर आ गया, भगवान बने हुए भी, अपने आप को डिक्लेयर किए हुए भी अब कई साल हो गए थे। इसी बीच में अचानक पुणे में ही ओशो की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं कि आप इलाज के लिए बेहतर है कि आप अमेरिका आ जाएं। अच्छा, तब तक बहुत सारे भक्त पूरे दुनिया भर से आ रहे थे जो विदेशी थे, तो उनके बहुत सारे भक्तों ने ज़िद की कि आप अमेरिका आएँ, वहाँ इलाज करें। तो 1981 में ओशो अमेरिका पहुँचते हैं इलाज के लिए। जब इलाज के लिए गए तो थोड़े दिन के बाद इलाज कराया, सब कुछ ठीक हो गया, तो उन्होंने भक्तों ने उनके कहा अमेरिका में कि अब आप कुछ दिन यहीं बिताइए, यहीं रहिए, और ओशो को रहने के लिए अमेरिका में मना लिया। अमेरिका की एक जगह है सेंट्रल ओरेगन, तो सेंट्रल ओरेगन में ये कहते हैं कि पूरा एक रेगिस्तानी इलाका है एकदम, तो सेंट्रल ओरेगन के रेगिस्तानी इलाके में ओशो के भक्तों ने बाकायदा ओशो के लिए 64 एकड़ ज़मीन खरीदी और वहाँ पर आश्रम बनाया और कहा कि ओशो आप यहीं रहेंगे। बाद में इस आश्रम का नाम रजनीशपुरम रखा गया, आचार्य रजनीश के ही नाम पर।
कहते हैं कि करीब 10,000 ओशो के भक्त थे जो इसी रजनीशपुरम में वहाँ यूएस में रहते थे, और उनके रहने का, उनकी सारी जो चीज़ें थी रोज़मर्रा की, वो बिल्कुल अलग डिफरेंट थी। उनको ये था जो उनमें से निकल कर आए, उनके कई के इंटरव्यू भी हैं, कि वहाँ रहने के दौरान ये था कि आप दुनिया भूल जाओ, आपको जो करना है अपनी मर्ज़ी से करो, आप सोचो मत, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से जियो, किसी के डर से नहीं जियो, किसी गिलानी से मत जियो, मतलब जो आपको जब जिस वक्त जो मन करे आप वैसे जियो। तो लोग वहाँ पे रहते थे उसी हिसाब से जीते थे, कहते थे कि जब मन करता था बिना कपड़े के भी रहते थे, जब मन करता था नाचते थे, गाते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, मतलब पूरी आज़ादी के साथ जियो। तो ये सब कुछ चल रहा था, और उस पूरे रेगिस्तान में धीरे धीरे पूरा एक हरा भरा आश्रम बन गया रजनीशपुरम, और भक्त और आने लगे जिन जिन तक ये बात पहुँची। और कहते हैं कि ये धीरे धीरे भक्तों की तादाद वहाँ पे करीब 20,000 हो गई, और उनके लिए फिर मकान वकान सब बनने शुरू हो गए, और 5-10,000 घर बन गए, एक छोटा सा एयरपोर्ट बन गया, और जो बाकी शहर की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें धीरे 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 वहाँ पर डेवलप हो गई। ये भी कहते हैं कि ओशो की अपनी हवाई सेवा एयर रजनीश भी शुरू हो गई, और उनकी खुद की पुलिस थी, सिक्योरिटी थी, इकोनॉमी थी, और जो भक्त थे बहुत सारे पैसे वाले। आचार्य रजनीश की एक और भी चीज़ थी, वो ये कहते थे कि दरिद्र को नारायण कहना ये गलत है, क्योंकि दरिद्र को नारायण कहकर आप नारायण की पूजा कर रहे हैं, मतलब आप दरिद्र गरीब की पूजा कर रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। ये एक थॉट थी जो किताब में आई थी, बल्कि पहले जो अपने भक्तों को, उनका हमेशा ये संदेश था कि पहले आप धन कमाओ, हैसियत बनाओ, और उसके बाद साधना की तरफ आओ, जब आप गरीब रहोगे तो ये सब चीज़ नहीं कर पाओगे। तो जो भक्त थे जाहिर सी बात इस सोच से प्रभावित थे, तो बहुत सारे अमीर कहते हैं कि 100 तो करीब रोल्स रॉयस गाड़ी थी, जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ, डिज़ाइनर कपड़े, तो ये सारे बहुत, मतलब पैसे देखते ही देखते, तो और धीरे धीरे संपत्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। तो वहाँ पे रहते हुए रजनीशपुरम में अब ओशो के जो विचार हैं वो धीरे धीरे अमेरिका तक पहुँची। अमेरिका तक पहुँची तो फिर ये हुआ कि ये किस तरीके की बातें कर रहा है, ये पूरा कल्चर सोसाइटी को बिगाड़ने की बातें हो रही हैं, और वहाँ पे उस विचार से लोग डरे, सरकार भी डरी, और इसी वजह से कई लोगों ने जब अमेरिका में आवाज़ उठाई आचार्य रजनीश की इस सोच के बारे में कि ये धर्म को लेकर इसकी ये राय है, सेक्स को लेकर इसकी ये राय है, गरीबी और अमीरी को लेकर इसकी ये राय है, दुनिया के कानून को लेकर ये राय है, तो सरकारों के ख़िलाफ़ भी काफ़ी था कि सरकार क्यों तय करे कि हम क्या करें। तो वो सारी चीज़ें जो है एक साथ उठने लगी, तो फिर उस वक्त रोनाल्ड रीगन थे यूएस के प्रेसिडेंट, तो उनके ऊपर प्रेशर आया। तो फिर एक विदेशी जिस तरीके से जाकर वहाँ पे आश्रम बनाया गया रजनीशपुरम, ये सारे रहे, उसमें कुछ कानून में झोल निकाला गया, और 81 के बाद 3 साल रहने के बाद 1984 में पहली बार ओशो के कुछ जो भक्त थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ऑर्गन शहर के लोगों को जहर देने की साजिश रची है, और उनको गिरफ़्तार किया गया, और इसी मामले में फिर ओशो को भी गिरफ़्तार किया गया, और कुछ वहाँ के लोकल जो कायदे कानून थे उसको तोड़ने का भी इल्ज़ाम लगाकर ओशो को गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद एक आम अपराधी की तरह ओशो को बाकायदा बेड़ियों में जकड़ा गया, हथकड़ी लगाई गई, और एक ऐसे जेल में ले जाकर रखा गया जहाँ पहले से ही सिर्फ बीमार कैदी रहते थे। तो कहते ही हैं कि अमरीकी सरकार की ये साजिश थी कि ओशो को बीमार हो जाए और उसके बाद मौत हो जाए, इसलिए ऐसा रखा। लेकिन कई दिनों तक रखने के बाद भी जब ओशो को कुछ हुआ नहीं ठीक ठाक, तो फिर उनको वापस नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 12 दिन जेल में रहने के बाद ओशो को कुछ मिलियन डॉलर, पता नहीं एग्जैक्ट कितने थे, और साथ में 5 साल तक वापस, 5 साल से पहले अमेरिका ना आने की शर्त पर रिहा कर दिया गया, और उनको सीधा कहा गया कि आप अमेरिका छोड़ दें। तो फरवरी 1986 में अमेरिका से निकलने के बाद ओशो पहले ग्रीस पहुंचते हैं, लेकिन ग्रीस तक भी ओशो की सारी विचार, सारी बातें और ये अमेरिका में जो कुछ हो रहा था वो बातें पहुंच गई थी। तो वहाँ के ग्रीस के चर्चों के दबाव में आकर, जो वहाँ के चर्च थी वो पूरी बिरादरी वो ख़िलाफ़ हो गई थी, और उसने कहा कि आचार्य रजनीश को यहाँ पे शरण नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे उनके कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो ओशो को ग्रीस पहुँचते ही गिरफ़्तार किया गया, और वापस फ्लाइट पे कहा गया कि आप वापस जाओ।
वो वहाँ से निकलने के बाद फिर स्विट्ज़रलैंड पहुँचते हैं और वहाँ पे भी हथियारबंद जो पुलिस वाले थे उनको पहले से जानकारी थी, वो वापस ओशो को उठाते हैं और कहते हैं भैया आप किसी और कंट्री में जाओ। स्वीडन पहुँचते हैं, स्वीडन में रुकते भी हैं थोड़े, लेकिन फिर स्वीडन के ऊपर प्रेशर आ जाता है और स्वीडन भी जो है उनको देश छोड़ने का हुक्म सुना देता है। इसके बाद इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, एंटीगुआ, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, रशिया, 21 कंट्री अलग अलग वो जाते हैं, लेकिन 21 के 21 मुल्क जो हैं वो आचार्य रजनीश को अपने यहाँ रहने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि भैया आप यहाँ नहीं रह सकते, आप जाओ। तो इन सब जगह से निराश होकर मार्च 1986 में, मार्च नहीं कोई और महीना था, अमेरिका का एक देश है उरुग्वे, उसी के पास, तो वहाँ पे वो थोड़ी सी हिम्मत करता है और आचार्य रजनीश को, ओशो को शरण देता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उरुग्वे के ऊपर भी दबाव आ जाता है और रोनाल्ड रेगन सरकार दबाव डालती है कि आप यहाँ से ओशो को निकालो वरना आर्थिक पाबंदी लगा देंगे। तो उरुग्वे भी इस दबाव में आ जाता और आचार्य रजनीश से फिर हाथ जोड़ता कि भैया आप यहाँ से जाइए। और कहते हैं कि जिस दिन आचार्य रजनीश ने उरुग्वे छोड़ा उसके नेक्स्ट डे ही रोनाल्ड रेगन सरकार ने बाकायदा उरुग्वे के लिए $150 मिलियन की मदद का ऐलान भी किया था। ये उसके लिए एक मुआवजा था एक तरह से कि उनकी बात मानी। तो 21 देश अपने यहाँ कदम रखने से मना कर चुके थे, बाकी देश को तैयार नहीं था। आखिर में थक हार कर आचार्य रजनीश ने फैसला किया कि अब चलो पश्चिम ने तो अपनाया नहीं, पूरब में ही चलते हैं, अपने ही घर चलते हैं। और 1987 में वो वापस हिंदुस्तान लौट आते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद एक बार फिर वही पुणे के जो ओशो कम्यून है वहाँ पे वो रहते हैं और अपना वही ज्ञान प्रवचन वो सारी चीज़ें चल रही थी और ज्ञान व्यान देते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब अमेरिका के जेल में ओशो थे बंद जो 12 दिन रहे, तो उनको एक स्लो पॉइजन करके किसी दवा की शक्ल में स्लो पॉइजन दिया गया था जिससे अचानक मौत नहीं होगी बल्कि धीरे धीरे बीमारी के बाद उस शक्ल में मौत होगी। ये एक साजिश की खबर आई थी और थीलियम नाम का ये शायद एक धीमा जहर था, थीलियम, तो ये उस जेल में उस वक्त दिया गया था, ये कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। तो खैर वापस आने के बाद 87 में ज्ञान प्रचार सब कुछ उसी तरह से धुआंधार प्रचार सब कुछ चल रहा था, भक्तों की तादाद बढ़ रही थी पुणे में, बाकायदा देसी विदेशी उनके भक्त सारे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ओशो की तबीयत बिगड़ने लगी, सेहत बिगड़ने लगी और पहले वो दिन भर में 3 बार भक्तों के सामने आते थे, प्रवचन देते थे, फिर सेहत ने साथ नहीं दिया तो ये हुआ कि अब सिर्फ दिन में 1 बार प्रवचन देंगे और वो 1 ही बार प्रवचन देते। इस दौरान में ये भी लगातार था कि ओशो चुके भगवान का दर्जा, भगवान देव तो भक्त ये मानते थे, ये तो भगवान है, इस तरह से ये जाएंगे नहीं दुनिया से। लेकिन 19 जनवरी को अचानक करीब शाम 5 बजे इसी पुणे के ओशो कम्यून में 19 जनवरी 1990 ओशो की डेथ हो जाती है, ओशो की मौत हो जाती है। अब ओशो की दो चीज़ थी, एक ये कि मौत का कभी मातम मत मनाओ, मौत का जश्न मनाओ। तो जितने भी उस ओशो सेंटर में रहते थे कम्यून में और किसी की डेथ हो जाती थी भक्त की, तो बाकायदा उसकी लाश और वो सारी चीज़ें करने का सब खुशी मनाते थे और नाचते थे, गाते थे, म्यूज़िक बजाते थे और फिर उसका अंतिम संस्कार करते थे। तो जब ओशो की मौत हुई थी, ओशो की मौत के बाद भी वैसे ही ओशो ने बाकायदा कहा था, तो कोई रोया नहीं, किसी ने मातम नहीं मनाया, बाकायदा जश्न मनाया गया और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार किया गया। जो ओशो की समाधि है, बाकायदा उस समाधि पे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि वो ना कभी पैदा हुआ ना कभी वो मरा, वो तो बस इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक रहने के लिए आया था, ये समाधि पे लिखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद अब अचानक जब ओशो की डेथ हो गई तो कहते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी थे ना सिर्फ पुणे में बल्कि विदेशों में भी, तो उसको लेके अब कि उत्तराधिकारी कौन होगा और उस प्रॉपर्टी के कब्जे को लेकर, क्योंकि वसीयत कोई थी नहीं और कुछ वसीयत आई जो हाई कोर्ट में अभी भी मुंबई हाई कोर्ट में, तो ये था कि फर्जी साइन थे, तो उसको लेके लड़ाई शुरू हो गई। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इसी बीच में एक खुलासा होता है ओशो की मौत को लेकर कि क्या ओशो की मौत नेचुरल थी
या ओशो ने खुद अपना शरीर त्याग किया या फिर ये मर्डर है। अब ये क्यों चीज़ें आई, इसकी वजह ये थी कि जब इस विल को लेकर, पूरी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही थी, तभी वो डॉक्टर जिसने आखिरी बार ओशो को देखा था, जिसने ओशो के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया था, वो बाकायदा कोर्ट में हल्फनामा देकर एक बयान देता है और उसके बयान से ही ये भूचाल आता है और सारे शक और सवाल उठते हैं। डॉक्टर गोकुल कोकाणी इनका नाम था, ये पुणे के थे। इन्होंने जो कहानी सुनाई 19 तारीख की जो मौत का दिन है कि उस दिन क्या हुआ था, तो उस कहानी के हिसाब से उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 1990 के दिन दोपहर के करीब 1 बजे होंगे जब ओशो आश्रम से फ़ोन आया डॉक्टर गोकुल कोकाणी के पास, और फ़ोन करने वाले ने यह कहा कि आप फटाफट एक लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर, मेडिकल के इमरजेंसी किट लेकर ओशो आश्रम पहुँचे। तो इन्होंने पूछा क्या किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है या कुछ हो गया, उन्होंने कहा नहीं बस आप पहुँचिए। कोर्ट को दिए अपने हल्फनामे में डॉक्टर गोकुल ने यह कहा कि करीब 2 बजे ये फ़ोन आने के बाद 1 घंटे के अंदर वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो जो है वो अपना देह त्याग कर रहे हैं, तो आप उन्हें बचा लीजिए। लेकिन जो करीबी लोग थे ओशो के, उन्होंने डॉक्टर कोकुल को ओशो के कमरे तक जाने नहीं दिया, बल्कि कहा कि आप यहीं रुकिए, और अगले 3 घंटे तक डॉक्टर गोकुल वहीं रहे। उनको ओशो से ना मिलने दिया गया, ना देखने दिया गया, ना कमरे तक ले जाने दिया गया। और 3 घंटे के बाद एक शख्स आता है और वो डॉक्टर को अंदर ले जाता है और कहता है कि ओशो ने अपना देह त्याग दिया है, आप इनका डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दीजिए। तो इन्होंने जो बॉडी देखी, उन्होंने देखा कि कुछ खाने के कुछ वो थे मुंह और जहाँ कपड़े पे, और वो उल्टी जैसी कुछ चीज़ थी ओशो। और डॉक्टर गोकुल का कहना था कि वो ज़माने से जानते थे, तो वो अपने इन चीज़ों को लेकर बड़ा एहतियात बरतते थे, तो उनका कभी कपड़ा इस तरह से गंदा नहीं हो सकता था, और मुंह में भी थोड़ा वो वोमिट लगा हुआ था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो खैर इन्होंने पूछा कि ये बताओ कि मौत की वजह क्या, तो उन्होंने कहा आप लिख दीजिए कोई भी हार्ट डिजीज़ ताकि पोस्टमार्टम ना हो, तो आप हार्ट अटैक या कुछ भी आप लिख दें। तो ज़बरदस्ती मौत का रीज़न डॉक्टर गोकुल से लिखाया गया, ये उन्होंने अपने हल्फनामे में मुंबई हाईकोर्ट में कहा। अब इसके बाद एक तो पहली चीज़ ये, दूसरा उनके भक्तों ने 5 बजे के आसपास ये मौत होती है बहुत ही सीक्रेसी रखी ओशो की मौत की खबर, और एक छोटा सा ऐलान होता है कि भगवान ने ना शरीर त्याग दिया है, और 1 घंटे के अंदर, जबकि ये होता है कि वहाँ पे जो भक्त होते थे जिनकी कभी मौत हुई, तो बाकायदा ये आचार्य रजनीश का था कि मातम नहीं करना है, रोना नहीं है, हंसना है, नाचना है, गाना है, लेकिन मौत के 1 घंटे के अंदर अंदर ऐलान भी हो जाता है, और उस 1 घंटे के अंदर अंदर ये कोई भक्त वहाँ पे रोता धोता नहीं है, सब खुश भी होते हैं, लेकिन फटाफट अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो अब उसको लेके बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आचार्य रजनीश के भक्त पूरी दुनिया में, देश में अलग अलग जगहों पर, तो उन सब का वेट क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं गया, और अगर नहीं भी बताया गया तो 1 घंटा ही क्यों, आप 5-6 घंटे बाद भी हो सकता था, तो इतनी जल्दी क्या थी अंतिम संस्कार में, इसको लेके भी हमेशा ये डाउट रहा है। तो 2 चीज़ें, एक डॉक्टर को अंदर जाने नहीं दिया गया, और वो क्या हो रहा था अंदर उस वक्त, क्या वो मरने का इंतज़ार कर रहे थे, और अगर ज़िंदा थे तो बचाने का मौका क्यों नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार इतना जल्दी क्यों कर दिया गया। नंबर 3 कि उस वक्त ओशो आश्रम में बहुत सारे डॉक्टर और भी थे और हमेशा रहते थे, तो उन डॉक्टरों को क्यों नहीं बुलाया गया, डॉक्टर गोकुल को फ़ोन करके इतनी दूर से बुलाया गया और कहा, और जब आए भी तो देखने नहीं दिया गया, देखने तब दिया गया जब इसे खबर के साथ कि वो अपना देह त्याग चुके हैं। तो आश्रम के डॉक्टरों को नहीं बुलाना, इन डॉक्टरों को बुलाने के बाद 3 घंटे तक नहीं जाने देना, जबरन ये कहना कि आप इस पे डेथ सर्टिफिकेट पे रीज़न आप हार्ट अटैक लिखो, और 1 घंटे के अंदर अंदर उस आचार्य रजनीश का अंतिम संस्कार कर देना जिसके इतने सारे फॉलोवर्स थे, और जो बाकायदा फिर जश्न वश्न मनाने की भी तैयारी थी मौत पे। तो ये सारे चीज़ें शक और सवाल खड़े करता, और बाद में फिर जब ये प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ और सारी चीज़ें हुई, तो इसने इन चीज़ों को और भी बढ़ा दिया। सबसे अहम चीज़ और, 19 जनवरी 1990 को जब ओशो की मौत हुई,
उस आश्रम में ओशो की माँ भी मौजूद थी, लेकिन उनकी माँ को भी बाद में बताया गया। और उनकी माँ ने जब यह सुना तो उनकी पहली लाइन थी, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा था कि मेरे बेटे को उन लोगों ने मार दिया। ये उनका शक था। खैर, अब चूंकि अंतिम संस्कार हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो ओशो की मौत नेचुरल थी। उन्होंने खुद शरीर त्यागा या फिर किसी और वजह से हुई, ये किसी ने उनको जानबूझ के साजिश के तहत मारा, तो ये सारे जो हैं सवाल और शक अपने आप में अब भी बने हुए हैं। आज करीब 19 साल हो गए ओशो की मौत को, और 19 जनवरी अभी ही गुजरा है, मतलब 10-12 दिन हो रहे हैं। लेकिन ओशो की मौत की सही वजह क्या है, ये आज भी किसी को पता नहीं, और इसीलिए एक राज बना हुआ है। लेकिन ओशो के फॉलोवर्स अब भी हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, हालांकि केस मुकदमे चल रहे हैं, अलग अलग ओशो इंटरनेशनल के नाम से भी कई हैं, उनके जो किताबें हैं ऑडियो वीडियो कैसेट, कहते हैं कि उसके सिर्फ सालाना 100 करोड़ से ज़्यादा की रॉयल्टी ही आती है, तो उसको लेकर भी लड़ाई अब भी जारी है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब ओशो की मौत हुई थी उससे ठीक 40 दिन पहले, बल्कि 41 दिन पहले, ओशो की पुरानी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिनका नाम था माँ प्रेरणा निवानो, इनकी उम्र 40 साल थी, और 41 दिन पहले 40 साल की निवानो की एकदम ठीक ठाक हालत में अचानक मौत हो जाती है। और उस मौत का भी रहस्य सुलझा नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ें हुई नहीं, वो उसी वहीं पे हुआ था, और ये सारी चीज़ें एक राज रह गई। तो 40 दिन पहले उनकी गर्लफ्रेंड जो निवानो थी, कभी गर्लफ्रेंड थी, उनकी मौत, और 40 दिन के बाद ओशो की इस तरीके से मौत, और आनन फानन में अंतिम संस्कार, डॉक्टर को न जाने देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसने कई शक और सवाल खड़े किए। लेकिन आज भी ओशो की मौत पर पर्दा पड़ा हुआ है कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी। तो ये थी ओशो की कहानी, और कुछ चीज़ें इसके बारे में आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेल कीजिएगा। अब मैं दीपक से कहूँगा कि कुछ थोड़े से सवाल ले लो, क्योंकि आज बहुत सारा काम भी है। एक्चुअली पॉलिटिक्स भी जो बातें थी जिस तरीके की, कि सरकार कोई भी राज्य, और वो तय नहीं करेगा कि हम कैसे जिएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे खाएंगे पिएंगे, और जिस तरीके से हुकूमत करते हैं, तो एक तरह से वो हुकूमत के ख़िलाफ़ था। फिर जो उसकी कल्चरल सारी चीज़ें थी उसको लेकर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे वो नाराज़ थे, धर्म को लेकर, जैसे हिंदू धर्म थे तो बहुत सारे चर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ख़िलाफ़ थे, मुस्लिम बिरादरी भी नाराज़ थी, क्योंकि सीधा सीधा यही नहीं बल्कि कई बार तो वो भगवान तक पे उंगली उठा चुके थे, और धर्मों का होना नहीं चाहिए ये तक कह चुके, तो सारी चीज़ों को लेके अमेरिका को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा हमला है कल्चर के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। ओशो आश्रम के टीचिंग में क्या फ़र्क है? आसाराम एक धार्मिक बाबा थे, जब तक बाबा थे, अब तो खैर बलात्कारी हैं, लेकिन ओशो का कभी भी जो पूरा वो था उसका धर्म कर्म ये सब इन चीज़ों में कुछ नहीं होता था, उसके सिर्फ दार्शनिक जो फिलॉसफी थी वो एक्चुअली तर्कशील बहुत अच्छा था। ओशो जो थे वो किसी भी बात के काटने और फिर उसका लॉजिक देने में बहुत महारत हासिल थी, और इसीलिए जब वो बोलते थे तो उनके भक्त बढ़ते चले जाते थे। तो आसाराम बापू और ओशो में ज़मीन आसमान का इसलिए फ़र्क है कि आसाराम बापू एक धार्मिक बाबा थे जो प्रवचन देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन ओशो का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। सर, कई लोग कहते हैं कि जो वारदात का प्रोग्राम है वो आप 10 बजे करते हैं बजाय 11 बजे की, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल भी अच्छा ऐसा नहीं है, लेकिन ये ठंड आप इसमें मत, मतलब आप ये मत सोचिएगा मुझे ठंड लग रही है, ये तो ऑफिस का हिस्सा है, लेकिन टाइम फिक्स होता है सबका, तो बदलना अचानक मुश्किल होता है, लेकिन फिर कभी कोशिश करेंगे। सर, ओशो की कोई फेमस बुक है, ये सेक्स गुरु थे और उन्हें आप बाबा मत कहिए। बहुत सारे लोग ओशो को सेक्स गुरु भी कहकर बुलाते थे, और उसकी वजह यही थी जो सारी किताबें और सोच थी, तो जो परिवार शादी ना होना ये सारी इन चीज़ों को लेकर, बट एक नाम नहीं है, कोई संत कहता था, कोई महात्मा, कोई फिलोसोफर, कोई भगवान, कोई आचार्य, कोई लव गुरु, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए थे। आनंद शर्मा जी पूछे थे आपने ओशो को कौन से धर्म के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया था? आनंद शर्मा जी, ये मुझे आपने पकड़ लिया, मतलब आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से अंतिम संस्कार हुआ था, ये इंटरेस्टिंग है और मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मुझे ये जानना चाहिए था, पर मैं इसको खुद अभी यहाँ से हटने के बाद पहला काम यही करूँगा। सर, वो कई लोग कह रहे हैं कि आप उनको बाबा मत कहिए, रेपिस्ट कर दीजिए या कुछ और। किसको? ओशो को। नहीं नहीं, देखिए ओशो के अगर
कानून के हिसाब से चलें तो ऐसा कोई भी एक मुकदमा दर्ज नहीं है जिसमें रेप या मोलेस्टेशन या बाकी चीज़ें हैं, तो आप रेपिस नहीं कह सकते हैं। ये मतलब आप अलग अलग, आप सबकी, हम सब अपने आज़ाद ख्याल हैं, सोच सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम कानून की किताब में उसके बारे में लिखा हो, तो ऐसा कोई सेक्शन, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब आप आचार्य कह लीजिए, आप रजनीश कह लीजिए, ओशो कह लीजिए, और वैसे भी शेक्सपियर ने कहा नाम में क्या रखा, और ये सब तमगों से कुछ होता नहीं, असली तो पहचान इंसान की होती है। सर जेपी पाटीदार पूछ रहे हैं, सर हमारा देश इतना सेंसिटिव है फिर भी अपनी गवर्नमेंट ने परमिशन कैसे दे दी आश्रम की? उस वक्त तक ये था कि चूंकि ओशो के जो ज्ञान थे, जो सारी चीज़ें थी, वो कानून के मर्यादे में ही थी, तो जब कानून के मर्यादे में कोई चीज़ होती है तो आप उसको रोक नहीं सकते। फिर जिस वक्त शुरू में, एक और चीज़ यहाँ पे हम सभी को सोचना पड़ेगा कि जब पुणे में पहली बार ओशो का ये आश्रम बना, तब ऐसा नहीं था कि इस आश्रम में पता नहीं क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस वक्त शुरुआत चल रही थी, तो ओशो उस तरीके से वर्ल्ड में उसके भक्त उतने नहीं हुए थे तब, उसके बाद धीरे धीरे हुआ, तो ये उस वक्त की बात है जब कुछ था नहीं और तब हो गया। विकास कुमार जी, आप की पत्नी को बहुत सारी शुभकामनाएं बर्थडे के लिए, और आपकी एनिवर्सरी भी है, तो बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। मैंने असल में कोशिश की थी आपको कि ओशो की कहानी सुनाऊं। ओशो के जो भक्त हैं उसमें बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे और अमीर लोग बहुत, इसलिए मैंने कहा कि 100 तो करीब रॉल्स रॉयस कार थी काफले में। उसी दौरान में एक बार अपने जो फिल्म स्टार विनोद खन्ना थे, वो भी ओशो के इन सारी चीज़ों को, कई उन्होंने प्रवचन सुने थे और उस प्रवचन को सुन के बड़े प्रभावित थे, और उस वक्त वो थोड़े से डिप्रेशन में भी थे, और इसीलिए वो ओशो के आश्रम पहुँच गए और काफ़ी दिनों तक रहे। लेकिन फिर ये कहते हैं, खुद ओशो ने ही कहा था विनोद खन्ना से कि आप अपनी दुनिया में लौटो, क्योंकि ओशो की एक चीज़ और थी जो आप किताब पढ़ेंगे, जो नफ सन्यासी का कंसेप्ट था कि आप रहो उसी समाज में, सब कुछ करो उसी समाज में, ये नहीं कि आप नफ सन्यासी बने तो अब आपने अपना काम छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नहीं, रहो करो सब, लेकिन ये भी करो जो वो कहते हैं। सर गौतम जी का सवाल है, वो क्या शक्ति थी जो ओशो की विचारों को, जो अमृत प्रीतम जैसी बड़ी लेखिका उनसे प्रभावित थी, आज भी जब उनकी बायोपिक बनाने के लिए बात की जाती है तो चार्ल्स लाइन लगा दी। देखिए, एक बहुत अच्छा फिलोसोफर, बहुत अच्छा, मैंने कहा तर्कशील, बातें करने वाला, बातों का जवाब देने वाला, किसी भी लॉजिक पे बात करने वाला, तो जो बात करने की खूबी थी वो बहुत कमाल की थी, और इसीलिए लोग बड़े सम्मोहित हो जाते थे सारी बातों पे, और किसी भी चीज़ की अगर वो बात करता, अगर वो गांधीवादी के बारे में बात करते थे तो फिर वो तर्क दिया करते था, तो इस वजह से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग भी फॉलोअर्स थे ओशो के। लास्ट इस पर मैं क्या कमेंट्स करूं, ये भी हो सकता है, सही कह रहे हैं आप कि नहीं समझ सकते, लेकिन लास्ट सर जयेश गढ़वी जी पूछे, सर रवि पुजारी के ऊपर क्या अपने अपडेट है? रवि पुजारी को शायद हिंदुस्तान लाया जा रहा है, और आज सोचा भी था लेकिन कुछ और चीज़ें हो गई। रवि पुजारी के बारे में आपको कल डिटेल में विस्तार से बताऊंगा, कल नहीं बल्कि मंडे को, क्योंकि कल सैटरडे है, कल कहानी जो है रिकॉर्डेड होगी और अच्छी कहानी होगी, तो कल सुनिएगा। आज इतना ही, क्योंकि बाकी काम कर लेते हैं, और बस इसी के साथ कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, और इसी तरह हौसला बढ़ाते रहें, अपनी शिकायतें, तारीफें सब लिखते रहें। तो कल सैटरडे है, कल रात 9 बजे मुलाकात होगी एक रिकॉर्डेड कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।